हाँ जी खाली हो गए है और क्या भारत अभी साहूकार है, भारतवासी साहूकार हैं क्या? स्थूल रूप से साहूकार हैं या सूक्ष्म रूप से साहूकार हैं? जब तक बाप ना आया तो ज्ञान धन से भी साहूकार नहीं थे, अभी बाप आया है तो ज्ञान धन से भी साहूकार बन गए। और आत्मिक स्थिति में रहने वालों के लिए स्थूल धन का तो कोई महत्व भी नहीं होता है। और गरीब निवाज बाप आया है तो उनको ठगिया मारना चाहिए, वह गरीब है जी, ऐसा ही बोला है बाबा, नहीं दरिद्र सम पातक पूजा। वो दुनिया के लिए बोला है कि जब भगवान आते हैं तब के लिए बोला है, है? नहीं दरिद्र सम पातक पूजा, ये लिखने वाला रामायण में जो लिख रहा है वो किस समय की बात है? भारतवासी कब गरीब बन गए? जब मुसलमानों के आक्रमण हुए तब ये बात तुलसीदास जी ने लिखी है। अभी की बात नहीं है, अभी तो तुम गरीब बच्चों को खगियां मारनी चाहिए, खुशी में उछलना चाहिए कि वाह हम खूब गरीब बने। ब्रह्मा बाबा की तरह साहूकार होते तो हमारा भी हार्ट फेल हो जाता। जैसे आने वाले टाइम में जब विनाश होगा तो बड़े बड़े साहूकारों के हार्ट फेल होने लगेंगे। तो शिव बाबा ने डबल बात बोली है या पक्की बात बोली है? शिव बाबा दो दो बातें बोलते हैं या एक ही सत्य बात होती है? और बाबा दुनिया में प्रीत बनी है मर जाने के लिए, तो मर जाओ जल्दी। हमारी तो बेहद की प्रीति है, बेहद के बाप से प्रीति है, तो मर जाना भी हमारा बेहद का है या हद का है? हमारा मर जाना भी बेहद का है, हम देह से नहीं मरते। जैसे युधिष्ठिर के लिए गायन है, देह से मर करके स्वर्ग में गया या देह सहित गया? सदेह गया। तो बाप हमको देह से मरना नहीं सिखाते हैं, बाप तो हमें बेहद का मरना सिखाते हैं, अपनी देह की स्मृति से मर जाना है, देह के संबंधों से मर जाना है, देह के पदार्थों से मर जाना है। और ब्रह्मा विष्णु मंत्र को कुछ
ब्रह्मा विष्णु शंकर को दूध पिलाया, ये बेहद की बात है या हद की बात है? है ये बेहद की बात है। सिर्फ ज्ञान देना और उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाना दोनों अलग अलग बातें हैं कि एक ही बात है? ज्ञानी रावण भी था परंतु प्रैक्टिकल में ज्ञान नहीं था, इसलिए रावण की कोई पूजा नहीं करता। अष्ट देवों की तो पूजा होती है, और बहुत ऊंच रूप में पूजा होती है। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के सर पर रखे हुए हैं, वो शिव की अष्टमूर्तियां कही जाती हैं। तो प्रैक्टिकल में जरूर उन्होंने ज्ञान उठाया है। ब्रह्मा विष्णु शंकर इस शिव की तीन मूर्तियां जरूर हैं, परंतु सत्यमेव जयते किसके लिए लिखा जाता है? तीनों में कौन सत्य है? सत्य एक होता है या सत्य दो दो तीन तीन और अनेक होते हैं? वो सत्य एक ही है और एक के समान पाठ बजाने वाली आत्मा उसी के लिए कहा गया है कि प्रैक्टिकल में ज्ञान का दूध अनुसुईया ने ही पिलाया। जो राजधानी का फाउंडेशन डालने के निमित्त बनती है, और बाबा कम खर्च वाला नसीब का अर्थ क्या? कोई भी काम हो कम से कम खर्चे में चला लेना चाहिए, व्यर्थ पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। अपने हाथ में भी जो पूंजी है वो भी ईश्वर के कार्य के लिए पूंजी है, विश्व कल्याण के लिए है। स्वार्थ के लिए जितना कम खर्च करें उतना जास्ती हमारा नाम बाला होगा, और विश्व कल्याण के लिए जितना जास्ती खर्च करें उतना हमारा नाम बाला होगा। सिर्फ धन की बात नहीं है, ज्ञान धन की भी बात है। ज्ञान धन को भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। पात्र सुपात्र का ज्ञान लेकर के, पहचान लेकर के ज्ञान देना चाहिए। समय की भी बात है, आज की दुनिया में समय का सबसे ज्यादा मूल्य है।
तो कम खर्च बालानसी। अपने आमोद प्रमोद के लिए, अपने रथ के लिए, अपने रथ से कनेक्टेड संबंधियों के लिए कम से कम समय लगाना चाहिए। विश्व कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा समय खर्च करना है, और वो भी हिसाब से, बेहिसाब नहीं। संकल्पों में भी कम खर्च बालानसी। संकल्प बीज होते हैं, बीज की बहुत वैल्यू होती है। अभी संगम युग में जितना श्रीमत के अनुकूल संकल्प चलाएंगे उतना हमारा भाग्य बनेगा। और अच्छा, बाकी सबके लिए नहीं है, सबके लिए तंतना भव है, है? तो मन नहीं होता ना। अभी प्रजापिता की बात कर रहे थे, अभी शिव को पकड़ लिया। एक की बात करो, साकार तन तो वही है ना बाबा। साकार तन है, जो साकार तन है वो अनेक जन्म लेने वाले का है या शिव का है? तो फिर शिव से हम उसको क्यों जोड़ेंगे? मन तो चंचल होता है, और शिव के पास चंचलता कहाँ से आ गई? मनुष्य आत्माओं का मन चंचल होता है, शिव तो अमन है, जैसे कि उसको मन है ही नहीं, कोई चाहना नहीं है, आज भी चाहना नहीं है, पहले भी कोई चाहना नहीं थी, आगे भी कोई चाहना नहीं रहेगी। मेरे मन में समाज किसके लिए? जब प्रजापिता के तन में आते हैं तो सर्वोच्च पुरुषार्थी कौन कहा जाता है? जिसके तन में आया है वो सबसे ऊंचा पुरुषार्थी है, या जो नंबरवार नजदीकी हैं वो ऊंचे पुरुषार्थी हैं? तो जिसके तन में आया है उसकी जिम्मेवारी हो जाती है कि मन के संकल्पों को 100% श्रीमत के अनुकूल ही चलावे। और जब फाइनल पेपर होगा, उस फाइनल पेपर में भी एक ही आत्मा ऐसी निकलेगी जो श्रीमत का उल्लंघन नहीं करेगी, बाकी सब कुछ न कुछ उल्लंघन करके अनिश्चय बुद्धि बन जावेंगे। शिव बाप आते हैं तो 100% ज्ञानी कौन बनता है? पूरा पूरा ज्ञान को कौन उठाता है? कोई प्रैक्टिकल में पाठधारी है जो ज्ञान सागर का पाठ बजाता हो? कौन है? इसलिए मुरली में बोला, नेक्स्ट टू गॉड इज
प्रजापिता। तो उसके मन में जैसे संकल्प चलते हैं वो संकल्प श्रेष्ठ संकल्प होंगे या भ्रष्ट होंगे, इसलिए बोला मन मना भव, मेरे मन में समा जा। मेरी तीन शक्तियां हैं, संकल्प शक्ति मन को कहा जाता है। जब मैं प्रवेश करता हूं उसी समय से लक्ष्य पक्का हो जाता है कि नई दुनिया बनाने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। अब दुनिया में और कोई काम नहीं करना है, करना है तो क्या करना है? नई दुनिया बनाने में बाप का सहयोगी बनना है। परंतु अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसलिए और भी आत्माएं निकलती हैं। जो बाप के संकल्पों के अनुकूल संकल्प चलाने वाली निकलती है। बाप का धंधा 100 बच्चों का धंधा, दूसरा कोई धंधा नहीं करेंगे ज्ञान में आने के बाद। ऐसे कितने बच्चे होते हैं जो ज्ञान में निकलने मात्र से ही, बाप का निश्चय होने मात्र से ही सिर्फ बाप के ही बन करके रहते हैं। जैसे लौकिक दुनिया वालों से कोई कनेक्शन नहीं, कोई लेना देना नहीं, पुराने जन्म की बात हो गई। जो बाप के मन में वो मेरे मन में, पूरे सहयोगी बन जाते हैं। फिर रिजल्ट क्या होता है? जहां हमारा मन होगा तन और धन कहां जाएगा? है, जहां मन जाएगा वहीं तन और धन जाएगा। और बाबा मुरली में बोला है मुरली सुनते समय कोई कोई भी कार्य नहीं करना है, नहीं तो मुरली के पॉइंट मिस हो जाएगा। लेकिन बाबा अगर अमृत वेले मुरली सुनते समय कोई कार्य कर सकते हैं क्या? अमृत वेले बाबा को याद करने का टाइम है या दुनियावी जो भी धंधे हैं उनमें रमण करने का टाइम है? हैं? याद में टाइम लगाना चाहिए, फाउंडेशन पक्का करना चाहिए आत्मिक स्थिति का। है? जब तक सूर्य उदय न हो। सूर्य उदय हुआ और अमृत बेला खलास होगा। और बच्चों की महफिल में ही आएंगे? जो बच्चे नहीं बने हैं उनकी महफिल में आते हैं क्या? है, है? हाँ तो बच्चे बंदर हैं ना इस आखिरी जन्म में। बंदरों की बुद्धि, बंदरों का मन चंचल होता है या अचल होता है? देवताओं का मन अचल होता है,
अपन को भी बिंदु रूप आत्मा समझते हैं, दूसरों को देखते हैं उनको भी बिंदु रूप आत्मा के रूप में देखते हैं। उनका मन चलायमान नहीं होता और आखिरी जन्म में क्या हालत हो जाती है, है? सबसे जास्ती बाप के बच्चों का मन चलायमान हो जाता है और धर्म वालों का इतना नहीं चलायमान होता। और धर्म वाले तो मन की एकाग्रता से साइंस दान के रूप में कितने बड़े बड़े काम कर लेते हैं। दुनिया में उनका नाम बाला हो जाता है। और जैसे कहा गया है दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, तो क्या सुमिरन करने के लिए दुख होना जरूरी है? अभी क्या समझते हैं, अभी सुख शांति के जीवन में जी रहे हैं कि दुनिया में अति की दुख अशांति हो गई है, है? अभी अति की दुख अशांति हो गई, अभी भी सुख शांति का जीवन जी रहे हैं, इसलिए अमृत वेला याद नहीं करते हैं। जब दुख अशांति का जीवन होगा, दुनिया में चारों ओर मौत का बाजार गर्म होगा, तो अमृत वेला करेंगे या नहीं करेंगे? सुख शांति से जीवन चल रहा है ना। और अभी तो दुनिया के धंधे चल रहे हैं ना, भल बाबा कहता रहे सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, तो धंधे तो चल रहे हैं ना, अभी चिंता करने की क्या दरकार? फिर चिंता कब होगी? जब कपड़े के कारखाने भी बंद हो जाएंगे, जो बाबा बोलते हैं आठ चकट्टी का कपड़ा पहनने की प्रैक्टिस करो, इतना कम खर्च बाला नसीब बनो, विश्व कल्याण के लिए संपत्ति लगाओ, क्या अभी करते हैं? फिर कब करेंगे? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और बाबा दुनिया में जहाँ की पढ़ाई पढ़ाई जाती है वहाँ टीचर फीस लेते हैं, ऐसा कायदा है पर यहाँ पर? क्योंकि उनको पेट होता है, और भगवान को तो अपना अपना पेट ही नहीं है, तो फीस किस लिए लेंगे? वो पेटू ब्राह्मण होते हैं, पेटू टीचर्स होते हैं। द्वापर के आदि में आश्रम व्यवस्था थी, आश्रमों में बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के बच्चे भी पढ़ने जाते थे, क्या आचार्य उनसे फीस मांगते थे? द्वापर के आदि में भी ऐसी व्यवस्था थी, वो तो दुनिया का मध्य युग है, और अभी तो भगवान कौन से धर्म की, कौन से टाइम की, कौन से युग की स्थापना करने के लिए आया है, है? द्वापर युगी रजो प्रधान की स्थापना करने नहीं आया है, त्रेता के सतो सामान्य युग की भी नहीं, सतयुग के सोलह कला संपूर्ण युग की स्थापना करने आया है। तो बाप क्या कम से कम फीस लेंगे? लेंगे? अरे जो
थोड़ी तो फीस ले लेना चाहिए। जो टीचर का बच्चा होता है उसकी फीस तो नहीं लगती स्कूल है। टीचर का जो बच्चा होता है उसकी वो तो फ्री में पढ़ता। तो तुम टीचर सुप्रीम टीचर के बच्चे नहीं हो है? तुमसे फीस मांगी जाती है क्या? उन स्कूलों में मांगी जाती होगी जो शिव बाबा के स्कूल है ही नहीं, स्पिरिचुअल कॉलेज। यहाँ तो बाप कहते हैं मांगने से मरना भला। जिनको अहंकार आता हो कि हम देते हैं तब ये चलता है कारोबार, वो कल से ही देना बंद कर दें। कारोबार तो फिर भी चलेगा। कभी भी मन में ये ना आना नहीं चाहिए कि हम बाप को देते हैं, बाप को देते हैं या बाप की बैंक में जमा करते हैं। जमा करते हैं, देते नहीं हैं, देने के लिए नहीं देते हैं। जन्म जन्मांतर लेने के लिए जमा करते हैं। और जीवन में जीवन संबंध आवश्यक है जीवन में पूछा जा रहा है। अमृत बेला कितनी देर करना है? महामुसीबत है। कोई लव मैरिज करने वाले होते हैं अपने लवर को याद करते हैं तो कभी नहीं पूछेंगे कि हम तुमको कितनी देर याद करें। और यहाँ पूछते हैं कितनी देर याद करना पड़ेगा। इसके लिए गीता में एक श्लोक आया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जो धर्म बाप स्थापन करते हैं, जो धर्म की धारणा बाप आकर सिखाते हैं, क्या है मुख्य धर्म है? आत्मिक स्थिति। उस स्थिति में टिकना ही हमारा धर्म है। इस धर्म का स्वल्प मात्र भी अभ्यास, सेकंड भी याद करेंगे अमृत बेला तो भी बड़े बड़े भय से पार कर देगा। दुनिया में आगे आने वाले बड़े बड़े भय हैं। बहुत भयभीत वातावरण बनने वाला है। अब जो जितना करे, और ज्वालामुखी याद, ज्वालामुखी याद है, जैसे ज्वालामुखी फटता है तो चारों ओर रोशनी ही रोशनी और फिर धुआं ही धुआं हो जाता है। ऐसी याद होनी चाहिए। जब हम ज्वाला रूप याद में टिकेंगे तो जो बाप के बच्चे हैं, नई दुनिया में आने वाले हैं, उनके सामने रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। हमारी याद की प्रैक्टिस बढ़ेगी, हमारी याद का स्टॉक बढ़ जाएगा
तो संसार में जो संसारी जन है एक ईश्वर के प्रति आकर्षित होने वाले नहीं है, भौतिक दुनिया की तरफ जाने वाले हैं, उनकी आंखों के सामने धुआं ही धुआं आ जाएगा। और जो ईश्वरीय परिवार के बच्चे हैं, बनने वाले हैं या बन गए हैं, उनकी आंखों के सामने रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। और जीवन में जो संबंध आवश्यक है, तो तीनों संबंध एक में ही है तुम बच्चों के लिए। कौन से तीन संबंध? अब सिर्फ तीन संबंध की बात करेंगे तो अपने अपने लगाव के अनुसार तीन संबंध उठा लेंगे, लेकिन बाबा ने कौन से तीन संबंधों की बात की है? बाबा आते हैं तो कौन से तीन रूप धारण करके आते हैं? बाप के रूप में, फिर टीचर के रूप में, फिर सदगुरु के रूप में। ये तीनों संबंध आत्म कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। और बाबा, सिख धर्म में बोला है एक खालसा 1.25 लाख के बराबर होता है। खालसा माने पवित्र। बाबा, ब्राह्मण परिवार की दो कन्याएं एक साथ सुरेंद्र होती है। ब्राह्मण परिवार में दो कन्याएं एक साथ सुरेंद्र होती है तो बेसिक वालों की बुद्धि में अड़चन सी हो जाती है। हाँ जी, क्या कारण है? ऐसा पहले कभी हुआ क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसा पहले कभी हुआ क्या? जो बिन फेरे हम तेरे बन गए हो तो हलचल नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? होगी। और बाबा, भक्ति मार्ग में सूर्य को जल चढ़ाते हैं। भक्ति मार्ग में सूर्य को जल चढ़ाते जो सूर्य का पाठ बजाने वाली आत्मा होगी उसको कभी भक्तों ने ज्ञान जल चढ़ाया होगा? तो ये भक्ति मार्ग में फाउंडेशन पड़ गया कि जो उगते हुए सूर्य को ज्ञान जल चढ़ावेगा वो सूर्य के सबसे नजदीक साबित हो जाएगा। तो जो ज्ञान सूर्य का पाठधारी है उसका सबसे नजदीक पाठधारी कौन होता है? नहीं है, लक्ष्मी होती है। तो वो लक्ष्मी ही माता गुरु के रूप में तुम सब भक्तियां हो, भक्त बन करके ज्ञान जल चढ़ाती है। तब बेसिक में वो आत्मा निकलती है। इसलिए भक्ति मार्ग में ज्ञान सूर्य के नजदीक पहुंचने के लिए भक्त जन
उदय होते हुए सूर्य के सामने ज्ञान जल चढ़ाते हैं, आज भी देखे जाते हैं। और बीस निकला था समुद्र शंकर में कई रत्न निकले थे, बीस निकला था तो शंकर ने ही क्यों पिया? इसको वो कोई नहीं पीने वाला है। दुनिया की 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से कोई में इतनी शक्ति नहीं है जो ग्लानी का विष पिए और गायन योग्य काम करे। एक ही आत्मा ऐसी सक्षम निकलती है जो सारी दुनिया ग्लानी करती रहे तो भी उसके ऊपर ग्लानी का कोई असर नहीं होता है। और जिसके पीने से आत्मा का कल्याण हो जाए वो कौन चाहेगा कि हमारा कल्याण हो जाए जन्म जन्मांतर के लिए? पहले पहले सागर मंथन से क्या निकलता है? विष ही निकलता है। बाद में और रतन निकलते हैं। ज्ञान सूर्य भी जब प्रत्यक्ष होता है तो सागर मंथन करने के बाद प्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होने के बाद सागर मंथन करता है? कब प्रत्यक्ष होता है? हैं? सागर मंथन के बाद। पहले अपने मन अंदर सारा मंथन चलता है, उस मंथन करने से ही हर आत्मा का अपना पार्ट प्रत्यक्ष होता है। जब तक अपने आत्मा के पार्ट की पहचान न हो, अपनी कुर्सी की पहचान न हो, तब तक कोई आत्मा सक्रिय कार्य में नहीं जुटती है। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं कुर्सी अपने आप सबको सब कुछ सिखाई देती है। और जो ज्यादा बुद्धि चला, बाबा ने बोला जो ज्यादा बुद्धि चलाते हैं वो दुखी रहते हैं और जो बुद्धू होते हैं वो सुखी रहते हैं। लक्ष्मी या कृष्ण की आत्मा ज्यादा बुद्धि चलाने वालों में है या बुद्धि कम चलाने वालों में है? है, है? बुद्धि कम चलाने वाली आत्माएं हैं। भावना वाली ज्यादा है या बुद्धिवादी ज्यादा है? भावना वाली ज्यादा है। और बाप को कौन से बच्चे प्रिय हैं? दिल वाले बच्चे प्रिय हैं या बुद्धि वाले बच्चे प्रिय हैं? दिल वाले ज्यादा प्रिय हैं। इसलिए सतयुग में अथवा संगम युग में स्थापन
स्थापना के बाद जो पालना का कार्य आता है, स्थापना और पालना का सुख बुद्धिवादी आत्माएं ज्यादा भोगती हैं या भावना वाली आत्माएं ज्यादा भोगती हैं? संगम युग में भी स्वर्णिम नई दुनिया की स्थापना होगी, तो नई दुनिया की राजधानी में लक्ष्मी विशेष पार्ट बजाएगी या नारायण वाली आत्मा विशेष पार्ट बजाएगी? भारत में जो स्वर्ग स्थापन होगा वो भारत रूपी घर में घर को संभालने वाली लक्ष्मी ही होगी। नारायण वाली आत्मा विश्व महाराजन कही जाती है। विदेशों का निमित्त बनती है, इसलिए बाप ने बोला है बाप विदेशी बन करके आया है। स्त्री घर संभालती है और बाप बाहर संभालता है। ज्यादा बुद्धिमान कौन होता है? बाप बुद्धिमान होता है। बाप बुद्धिमानों की बुद्धि है। किसी के बुद्धि के अहंकार को स्वीकार नहीं करता है। इसलिए जो भी धार्मिक सीरियल चल रहे हैं उनमें भी दिखाया जाता है कि भगवान का जो पार्टधारी है वो किसी के अहंकार को पसंद नहीं करता, चाहे वो अर्जुन का अहंकार हो, भीमसेन का अहंकार हो या कोई का भी अहंकार हो। अहंकारियों का मान मर्तबा, मान मर्दन करना ये भगवान का काम है। और पृथ्वी के आदि में विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और फिर कहा जाता है ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। नाभि जो है वो वैष्णवी माँ और कौन हुआ? 16,000 नसें नाड़ियां कहाँ इकट्ठी होती हैं? शरीर में 16,000 नसें नाड़ियों के इकट्ठे होने का कोई स्थान है? है नाभि है। बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले गर्भ के अंदर जो उसको दाना पानी मिलता है वो कौन सी नाड़ी के द्वारा मिलता है? नाभि के द्वारा मिलता है। इसलिए जब बच्चा पैदा होता है तो नाभि काटी जाती है। रावण की नाभि में तीर क्यों मारने का गायन है? है? क्योंकि अमृत नाभि में था। वो नाभि में लक्ष्मी वास करती है। लक्ष्मी बनने से पहले उसका स्वरूप ब्रह्मा का होता है। ब्रह्मा सो विष्णु। और जो आदि में विष्णु होगा वही अंत में भी विष्णु होगा? बिल्कुल होगा। यज्ञ के आदि में
और नई सृष्टि के आदि में अव्वल नंबर विष्णु का पार्टधारी कौन है? नर से नारायण बनने वाली आत्मा है या नर से प्रिंस के रूप में बनने वाली आत्मा है? जो नर से डायरेक्ट नारायण बनती है वो ही अव्वल नंबर विष्णु है। विष्णु की चार भुजाएं दिखाई जाती हैं। वो चार भुजाएं जड़ हैं या चैतन्य आत्मा है? है? चैतन्य आत्माएं हैं। चैतन्य आत्मा होते हुए भी जड़त्वमयी बुद्धि वाली है। जड़ भुजाओं को अपने आप संचालित किया जाता है। जड़ भुजाएं अपने आप संचालित होती हैं या उनको चलाने वाला कोई और होता है? तो जो चलाने वाला है वो ही अव्वल नंबर का नारायण है। और बाबा पहले पहले जो दो ब्रह्मा हुए फर्स्ट, पहले पहले ब्रह्मा हुए जो फर्स्ट पेयर थे, जो फर्स्ट पेयर था ना आदि में, आदि में क्या था फर्स्ट पेयर जो विष्णु के रूप में संस्कार जो मिले हुए थे यज्ञ के, वो नई सृष्टि के आदि में। हाँ, तो वो दोनों जो संस्कार से मिले हुए जो दोनों आत्माएं थी वो ब्रह्मा हुए ना पहले पहले? हाँ, एक सहयोगी और एक असली। जैसे प्रिंसिपल होता है कॉलेज में, एक प्रिंसिपल असली होता है और एक असिस्टेंट होता है, वाइस प्रिंसिपल कहा जाता है। इसलिए पत्नी को भी अर्धांगिनी कहा जाता है। ये दोनों आत्माएं यज्ञ के आदि में भी विष्णु रूप हैं और शिव बाप जब प्रवेश करते हैं संगम युग के आदि में तब भी विष्णु रूप हैं। उनमें झगड़ा नहीं हो सकता। झगड़ा अपवित्रता से होता है या पवित्रता से होता है? है? अपवित्रता से झगड़ा होता है। और लक्ष्मी का एक पार्ट ऐसा है 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में, जो आदि से लेकर के अंत तक जितने भी जन्म होते हैं उन कोई भी जन्मों में विविचारिणी नहीं बनती है। दो आत्माएं पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। ये फाउंडेशन कहां डाला है? ये फाउंडेशन कहां डाला गया? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये संगम युग में फाउंडेशन डाला जाता है। संगम युग में जिन्होंने मन के संकल्पों से अनेक पति बनाए या एक से ज्यादा पति बनाए, मन के संकल्पों में फाउंडेशन पड़ रहा है। उनको उतना ही ज्यादा पवित्रता के आधार पर दुख सहन करना पड़ता है। इसलिए मुरली में बोला है कि वैश्या ही सबसे जास्ती दुखी होती है। अब जितनी बड़ी वैश्या उतना बड़ा दुख, और जितनी बड़ी सदवा उतना ज्यादा जन्म जन्मांतर का सुख होता है।
तो टैली करना है कि राम वाली आत्मा शरीर का ज्यादा सुख जन्म जन्मांतर भोगती है या लक्ष्मी वाली आत्मा ज्यादा सुख भोगती है? है लक्ष्मी वाली आत्मा शरीर का जन्म जन्मांतर का ज्यादा सुख भोगती है। जो भी होगी वो ब्राह्मणों की दुनिया में यज्ञ के आदि में सैंपल होगी। सब उसकी बात को मानते होंगे उस युगल की। और पोती पड़ पड़ जग मुआ भयान पंडित होए, भाई अक्सर प्रेम के पड़े सो पंडित होए। तो करो प्रेम पक्का पक्का, पंडित जी बन जाओ, विश्व की बादशाही का तिलक लगाओ। है ढाई अक्षर में आ गया, एक तो राम वाली आत्मा, दूसरी कृष्ण वाली आत्मा, दोनों मिलकर के अर्धनारीश्वर का पार्ट बजाते हैं, और तीसरी इन दोनों को चलाने वाली कौन है? जो स्वयं पार्ट नहीं बजाती है, स्वयं का शरीर ही नहीं है, पराया शरीर लेती है, वो कौन है? शरीर नहीं है, सिर्फ आत्मा है। तो कौन है? शिव है। तो कितने हुए अक्षर, कितने हुए? माने नहीं, अक्षर माने नष्ट होना। दो तो ऐसे हैं जिनका ऑलराउंड पार्ट है, कौन कौन? राम और कृष्ण। कृष्ण जिसको कहा जाता है वास्तव में वो ऑलराउंड पार्टधारी नहीं है। ऑलराउंड 5000 वर्ष के पार्ट में से कितने वर्ष का पार्ट कट हो जाता है? है 50 वर्ष का पार्ट कम हो जाता है। तो ऑलराउंड पार्टधारी दो कौन है? लक्ष्मी और नारायण। और सबसे कम पार्ट कौन बजाता है? संगम युग में जितने भी पार्टधारी हैं 4.5 लाख जो अपने शरीर से पार्ट बजाने वाले हैं, या 9 लाख उन पार्टधारियों में कौन सी आत्मा है जो संगम युग में तो पूरा पार्ट बजाती है, बाकी किसी जन्म में पार्ट नहीं बजाती?
शिव बाप, तो उसको अक्षर कहेंगे हैं? जन्म जन्मांतर पाठ बजाए फिर भी चरित न हो तब तो कहेंगे अक्षर, और पार्टी सिर्फ एक जन्म में बजाती है। एक जन्म में पार्ट बजाती है, बाकी जन्मों में पार्ट है ही नहीं। और एक जन्म में भी जो पार्ट बजाती है अपने शरीर से बजाती है, या उसका अपना शरीर है ही नहीं है? है या नहीं है, उसको कर्ता कहें या अकर्ता कहें? हैं? अकर्ता की स्टेज में हो गया। पार्ट बजाते हुए भी यह करता है, क्योंकि अपना शरीर नहीं है। आत्मा पार्ट बजाने वाली है, परंतु नाम किसका होता है? आत्मा का नाम होता है या शरीरधारी का नाम होता है? शरीरधारी का नाम होता है, इसलिए आधा है आधा, आधा नहीं है। अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन हुआ और द्वयम नंबर ब्रह्मा कौन हुआ है? अव्वल नंबर हुआ नारायण और द्वयम नंबर हुआ लक्ष्मी। ये तीन आत्माओं को जिन्होंने पहचाना जाना प्यार किया, उनके लिए भक्ति मार्ग में बोल दिया है क्या? ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अगर आधे अक्षर को भी भूल गया क्या? आ को याद किया, ऊ को याद किया, और जो बिंदी रखी हुई है अक्षर नहीं है। अक्षर का अंश तो है, बिंदी को भूल गया तो पूरा प्रेमी कहेंगे। इसलिए बोला साकार में निराकार को याद करना है, और जिस साकार में निराकार को याद करना है वो साकार भी तब तक संपन्न नहीं होता जब तक लक्ष्मी सहयोगी न बने। इसलिए वो अर्धांगिनी है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है, कैसे बनता है, और इसका अंत से आदि से अंत कैसे होगा? सबसे बड़ा पाप है दुख देना। दुख देने को ही पाप कहा जाता है। बाबा ने सबसे बड़ा पाप क्या बताया मुरली है? क्रोध बड़ा पाप है, लोभ बड़ा पाप है, अहंकार बड़ा पाप है, कौन सा बड़ा पाप है? हैं? काम कटारी चलाना बड़ा पाप है। ये कब से आता है? कौन सी आत्मा आती है जो बड़ा पाप शुरू कर देती है? हैं? इब्राहिम आता है,
उसके आने मात्र से ही व्यभिचारी दुनिया शुरू हो जाती है। ये बड़े पाप की शुरुआत हो गई।